ना समझे सच जानो ये जीवन से हमारा प्रकाश बनाया हुआ सफल नहीं हो सकता। कर्म भोग कहते हैं एक राजा था, अभी छोटी सी साथी सुनाएंगे समाप्ति करता हूं कि समझ में आ जाए। एक राजा था, उसके मन के अंदर एक शंका पैदा हो गई। वो कहने लगा यार जिस वक्त जिस घड़ी जिस टाइम, ध्यान से सुनो एक एक पॉइंट सोचने वाली बात, जिस टाइम जिस घड़ी जिस वक्त मैं पैदा होगा हो रही हूं दुनिया पैदा हुई होगी ना, ये तो आम बात है। सब कोई दुनिया में जीव नहीं ना जो एक समय में एक ही पैदा हुआ, कई लोग जन्म लेते कई मारते। उसके मन में शंका यह पैदा हो गई जिस टाइम जिस घड़ी जिस वक्त मेरा जन्म हुआ और भी लोगों का जन्म हुआ होगा, अकेला राजा मैं ही क्यों बना। मेन पॉइंट, अकेला राजा मैं ही क्यों बना, यह उसके अंदर एक शंका पैदा हो गई। वो कहने लगा यार कोई मेरे सवालों का उत्तर दे। वजीर कहने लगा एक काम कर, जितने तेरे विद्वान है सवेरे बुला ले, उनको पूछेंगे। सवेरे सारे राजा की साथ समझ ध्यान से सुनो, थोड़ा बच्चों को बिठा दो, ये तो मेरा अगर ज्यादा लगता हो तो समाप्ति कर। कहने लगे सवेरे सभा हुई, सब पहुंचे, राजा ने सवाल खड़ा करा, मेरे ज्ञानियों धानियों पर पुस्तक और भी विद्वानों तुम जो भी आए हो, मेरे मन में सवाल है जिस टाइम जिस घड़ी जिस वक्त मैं पैदा हुआ दुनिया में और भी जीव पैदा हुए, मैं अकेला राजा क्यों बना। ये मेरे सवालों का उत्तर, सबके रोंगटे खड़े हो गए, कईयों के कान में से हवा निकल गई, कईयों की धरती हट गई। यार ये कैसा मूर्खता ही सवाल है, इसका उत्तर कौन देगा, है ना, सोचने की बात है ना। एक वहां विद्वान बैठा था, वो कहने लगा तेरे सवालों का उत्तर जंगल में एक ऋषि बैठे हुए, वहां चला जा, वो तेरे सवालों का उत्तर देंगे। अच्छा जंगल जाना पड़ेगा? हाँ जंगल जाना पड़ेगा। कहने लगे अपनी फौज को लेके सवेरे रथ लेके हाथी घोड़े लेके राजा जंगल के लिए रवाना होगा। जब जंगल में पहुंचा देखने लगे सामने एक ऋषि बैठा हुआ है और वो अंगार के जो गुटके रहते हैं अंगार गुटके जो गिरती है लाल लाल, क्या बोलते हैं उसको, अंगार बोलते हैं, वो अंगार खा रहा है। बड़ी विचित्र घटना देख के हैरान राजा, यार ये कैसा ऋषि है, इसके पास मैं सवाल का उत्तर लेने आया हूं और ये तो अंगार खा रहा है। वो कहने लगा यार हमको क्या करना, हमको तो सवाल पूछना है। राजा कि वो ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा महाराज मेरा एक सवाल है। वो कहने लगा बोल क्या सवाल है, जिस टाइम जिस घड़ी जिस वक्त मैं पैदा हुआ और भी दुनिया पैदा हुई, अकेला मैं राजा क्यों बना। वो ऋषि बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी विचित्र बात है, तू एक काम कर यहां से थोड़ा आगे चले जा, वहां पर एक मुनि बैठा हुआ है वो तेरे सवालों का उत्तर देंगे। साथ समझ लिया, वो कहने लगे इसके पास था इसने आगे भेज दिया, फिर आगे चले गए। वो कहने लगा मुझे सवाल का तो उत्तर देना, वो आगे चला गया। आगे जाके देख रहे वो जो ऋषि है ना दूसरा, वो मिट्टी खा रहा है। वो देख के बड़ा हैरान हुआ, यार ये कैसी घटना घट रही है, एक अंगार खा रहा है एक मिट्टी खा रहा है, मेरे सवालों का उत्तर। वो कहने लगा हमको क्या करना, मिट्टी खाए हमको तो हमारा सवाल का उत्तर देना। राजा अपने फौज के समेत वहां पहुंच गया, भाई जिस टाइम जिस घड़ी जिस वक्त मैं पैदा हुआ और भी राज्य और भी दुनिया पैदा हुई, अकेला मैं राजा क्यों बना। वो कहने लगा गांव शहर चला जा, वहां एक आदमी बैठा हुआ है और थोड़ी ही देर में वो मर जाएगा, तू जल्दी पहुंच जा तेरे सवालों का उत्तर वहां मिलेगा। वो कहने लगे यार ऐसी कैसी बात, शहर से मैं गांव आया हूँ, गांव से जंगल जंगल से हो अपने शहर चला जाओ, ज्यादा टाइम खराब कर जल्दी चला जाए तो मर जाएगा। अच्छा कहने लगे ठीक है। वो अपने समेत घोड़े के समेत राजा अपने स्वार्थी के समेत उसके पास पहुंच गया, तो साथ में जी कहने लगा महाराज मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं मैं सवाल का उत्तर। वो कहने लगा मैं मरने वाला हूं थोड़ी देर में, तेरे सवाल का उत्तर क्या दूंगा। नहीं नहीं महाराज मेरे सवालों का उत्तर है वो आप ही दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। कहने लगे बहुत जल्दी मेरा सवाल क्या, क्योंकि टाइम मेरे पास है नहीं, पता है मेरे सवाल की पूंजी कब कट जाए। कहने लगे जिस टाइम जिस घड़ी जिस वक्त में पैदा हुआ अकेला मैं राजा क्यों। ध्यान से सुनना साथ में, बात बहुत पकड़ वाला बहुत कीमती बात है। आज
अपने जीवन के अंदर पल्ले मारने वाली बात है। वो कहने लगे राजा एक ध्यान से मैं तुझे बात बताता हूं। कहने लगे चार भाई थे, चार भाई जंगल में आए हुए थे। ये सवाल का उत्तर है ध्यान से सुनो। चार भाई जंगल में आए हुए थे, एक भूखा था और वो चार भाई बैठकर रोटी खा रहे थे। उस भूखे ने कहा मुझे रोटी की बहुत जरूरत है, मुझे भूख लगी हुई है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मर भी सकता हूं। तो तीन भाइयों ने कहा, पहले ने कहा तुझे अगर हम दे देंगे भोजन हम क्या अंगार खाएंगे, हम क्या अंगार खाएंगे। दूसरे ने कहा अगर हम तुझे भोजन दे देंगे हम क्या मिट्टी खाएंगे। तीसरे ने कहा अगर हम अपना तुझे भोजन दे देंगे हम क्या भूखे मरेंगे। और चौथे ने सास ने जी बिना सवाल करे अपनी भोजन की थाली उसको दे दी। इसका उत्तर है जो पहले जो ऋषि बैठा था ना जो अंगार खा रहा था वो सचमुच रब ने उसकी जिंदगी में अंगार ही दी, जा तो अंगार ही था। दूसरे ऋषि ने कहा था हम क्या मिट्टी ही खाएंगे, ले तेरी जिंदगी में मिट्टी है। और तीसरे ने कहा था हम क्या भूखे मरेंगे, ले तू मरना है। और चौथा टूटा तूने अपनी थाली परोस दी, तेरे कर्म का फल है, तू उसी टाइम राजा बन। कर्म का फल अपनी थाली अपनी भोजन को देकर तू राजा बना रहे और बाकी के हम मर रहे हैं, ये हमारे कर्म भोग है। और जो तेरी करनी है वो तेरी करनी का फल है, जो तू उसी टाइम उसी वक्त उसी दिन में तू राजा बना है। ये भाई के अच्छे के कर्म है, कर्मी आपको अपनी। तो सास जी आज जो भी करनी कथनी हम यहाँ करने आए सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जीवन प्रकाश पावन प्रकाश दिहाड़ी। देखो कथा का बात है जिसका कोई अंत नहीं है, एक दो से गिनती करो खत्म नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतिहास इतना डूंगा इतना कोई माई का लाल बयान नहीं कर सकता। मैं तो एक छोटा सा कीड़ा मूर्ख हूँ, जितनी संख्या मैंने पढ़ी थी जितना मुझे छोटा मोटा ज्ञान था वो मैंने बताई। मैं तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का इतिहास कोई बयान नहीं कर सकता। तो सास जी आप सभी को सतगुरु सच्चे पातशाह मीरां दे मीर पीरां दे पीर वली अवतार सतगुरु सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन प्रकाश दिहाड़ी की आप समूह संगता को श्री हजूर साहब जी के मान सम्मान यो बाबा कुलवंत सिंह जी तगत सचखंड श्री हजूर साहब जी के पंच प्यारे मान यो साहिबान गुरुद्वारा कोट वलो सच्चे पातशाह श्री महापुरुष बाबा जी गुरुद्वारा वलो साहब जी महापुरुष बाबा बलविंदर सिंह जी और समूचे बाबा नरेंद्र सिंह जी कार सेवा वाले पंच वलो और स्वयं सिख सपोर्ट वलो दास वलो आप समूह संगठन गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े की आप सभी को लाख लाख बधाई हो। दास के बोलते वक्त अगर कुछ गलती हो गई हो किसके शब्द कोई बुरे लगे हो दास की थोड़ी में पा लेना, अगर कोई वचन अच्छे लगे हो अपने जीवन में कमाना अपने बच्चों को बताना अपने जीवन में कमा कर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना। सो आप सभी संगत को गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह दरबार इंदिरा नगर चंद्रपुर महाराष्ट्र आप समूह कमेटी को गुरु महाराज के पास चलती कला रखे। आप सभी संगत ने हमें संगत के दर्शन कराए, प्रबंधन कमेटी का धन्यवाद, जिन्होंने लंगर बनाया उनका धन्यवाद, लंगर बनाने वालों का धन्यवाद, लंगर बनाने वालों का धन्यवाद, बताने वालों का धन्यवाद, जिन माइयों ने भाइयों ने सेवा की उनका धन्यवाद। आप सभी संगत ने जिन जिन भाइयों ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ जो पहुंचे आप सभी संगत का धन्यवाद। दास बोलो आप श्री महाराज के पार्षद के प्रकाश प्यारे की लख लख बधाई हो। और विशेष तौर पर हमारे यहाँ पर श्री का समाज के महान सेवक बाबा बलसाद जी भी यहाँ पहुंचे उनका भी पूरी श्री का समाज बोलो साथ संगत बोलो कुटान को धन्यवाद। और विशेष तौर से यहाँ के ग्रंथी साहब जी उनका धन्यवाद, भाई हदीब सिंह जी उनका धन्यवाद, भाई प्यारा सिंह जी जिन्होंने दास को फोन किया था पिछले साल भी पर दास जी मेरा कुछ घरेलू मैटर था इसलिए मैं पहुंच नहीं सका, अगली बार जरूर याद करो दास हो जरूर पहुंचेगा। और हमारे मान सम्मान योग भाई साहब भाई रबल सिंह जी जुड़ी सह परिवार जो अपना परिवार लेकर पहुंचे, भाई सुंदर सिंह जी वो भी अपना परिवार लेकर पहुंचे, हो भी समस्त सभी संगत के मैं नाम नहीं जानता और ज्यादा तो धन्यवाद मैं करूंगा जो टाइम टाइम पर कीमती कीमती समय पर भाई समुद्र सिंह जी
जिन्होंने खाना पीना सोना भी हराम बोलते बोल बोलते बोल जिनके 24 घंटे चलते रहे उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, जिनकी पकड़ है, जिनकी लगाव है गुरु के साथ में, जिन्होंने दास ने यहाँ पर आज संगत के दर्शन कराए। प्रधान साहब का धन्यवाद, सभी प्रबंधक कमेटी मेंबरों का धन्यवाद, और जो कोई भाई रह गया है उनका भी मैं धन्यवाद करूँ। इतनी बेनती प्रवान कर लीजिए। अनंत साहब जी का साथ समय जी बात होगा उपरंत अरदास वाहिगुरु जी का हम सब पढ़ो।